हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कुछ ऐसा देखने की हमारे आसपास में जो और लोग नहीं देख सकते। मतलब जहाँ पर भी आप हो, अपने घर में हो, बैठे हो, आराम से बैठ करके बिना कुछ करे देख करके हंसना चाहो, तो कुछ हंसने लायक चीज़ें हैं हमारे आसपास में। Yes, sir. कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देख करके अगर हम अपने नज़रिए को हल्का सा बदल दें तो उसी टाइम पर हमको मज़ा आने लग जाएगा। मतलब पूरी दुनिया मुंह लटका के बैठी है लेकिन हम चिल्ला उठे, हम आराम से बैठे, आ ठीक है हो जाएगा कोई नहीं। तो वो कहेंगे पागल। अब वो थोड़ा कंट्रोल में करना है, ये नहीं कि किसी मैयत में गए वहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट हैविंग सेड दैट कि जैसे होता नहीं है कि इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, ये है वो है वो है, तो उसकी हम लाइटर साइड भी देख सकते हैं। तो ये आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। कैसे करेंगे कि आप में से कोई भी कुछ भी ऐसा बताएंगे यहाँ पे हम सबको जिससे हम सब रिलेट कर सके। जैसे किसी ने कुछ बोला, कोई भी सिचुएशन, अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसा बोला, तो वो उनकी माँ नहीं है, वो हम सबकी माँ है। माँ माँ होती है, ठीक है ना। दोस्त दोस्त होते हैं, ये दोस्त आपके कमीने नहीं है, सबके कमीने होते हैं। तो अगर आप में से किसी के भी पास में कुछ है बोलने के लिए तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, माइक लेकर के बोल सकते हैं। आप बोलो जी। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, वी वेयर इन अ ग्रुप, कि ये सर गलत बता रहे हैं, लेट्स करेक्ट हिम। उनका प्रोनंसिएशन एक वर्ड को लेकर के गलत था। आप अभी भी हो क्या उस कॉलेज में? नहीं सर। अब नहीं हो, मतलब कोई डर नहीं है ना कैमरे? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। आई सेड कि सर वो शायद ऐसे नहीं वैसे होगा, तो ही वाज लाइक कि ये कितने उंगली है? तो ये पांच है। नहीं ये दो है। नहीं सर ये पांच है। नहीं ये दो है, मैं कह रहा हूँ ये दो है, ठीक है। तो तुम एग्जाम में तुम्हें पास होना है तो तुम दो ही लिखोगी, ठीक है। एंड आई आफ्टर दैट मुझे उस सब्जेक्ट में कभी उन्होंने फुल मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने उनको ट्रोल कर दिया कि आपकी इंग्लिश गलत है। आप भी थोड़े मजे लेते सर, ये पांच है सर। सर आपने तो हमारे सारे फंडे हिला दिए, आप कहाँ थे पहले? मेरे फादर ने एक बार बोला था कि एलिफेंट होता है, तो मैंने कहा नहीं, मेरे सर ने बोला है कि एलिफेंट होता है। एलिफेंट होता है, एलिफेंट ही है, एलिफेंट ही है। पापा को भी हाथ दिखा देते हैं। पापा कितनी उंगली है? मेरे सर ने बोला है। आप ऐसे क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो? सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइन। साथ साथ में थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी में भी ट्राई मार लो। हाँ सर, मैं ये करती थी लाइक अपने क्लास में, अपने फैमिली में मैं ट्राई करती थी, बट सब मुझे अंडरएस्टिमेट करके कहने लगे कि क्लैट में चली जाओ, तो मैंने ये काम छोड़ दिया। अरे आप लोग ना इनके एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, बड़े कमाल के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं इस वक्त। मतलब अंदर आपके ना एक कॉमेडियन छुपा हुआ है, आपको खुद को पता नहीं है। हाँ सर बट छोड़िए। बट क्या? नहीं सर, मेरे लाइफ में बट नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को जो भी बोला है कि मुझे करना है उन्होंने करने दिया है। बट इट्स लाइक कि सबका एक मेंटालिटी होता है कि आप एक डिसेंट 9 to 5 जॉब ढूंढ लो, उसके बाद डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन वाला हाल है। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, गो फॉर क्लैट, बिकॉज मैंने बहुत बार डिबेट्स भी किए हैं, तो उन्होंने कहा या तो क्लैट करो या तो क्लैट क्या होता है वैसे? सर लॉ की तैयारी होती है सर, वकील बन जाओ। आपने ड्रेस भी वकीलों वाली पहनी हुई है, आप वकील बड़े सही बनोगे, सही बता रहा हूँ। और कोर्ट में कॉमेडी की इतनी जरूरत है, इन दोनों चीजों को मिला दो ना, जज वैसी देख के मतलब कहेगा उसका वेट करेंगे, वो वकील आएगी तब कुछ माहौल बनेगा यहाँ पे, सब बाकियों का नौकरी चली जाएगी बाकियों की। अरे कॉन्फिडेंस, यू विल बी अ लॉयर राइट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? मैंने नहीं चूज किया ना क्लैट। अच्छा आपने नहीं चूज किया? नहीं किया, मैंने डिजाइनिंग चूज किया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, उसके पीछे एक स्टोरी रिलेट करना। अब जैसे अगर वो कैमरा ही है तो वो भी क्या सोच रहा होगा, कब से मुझे यहाँ खड़ा करके रखा है यार एक ही पोजीशन पे, मतलब उस तरह की चीजें मुझे। ओ भाई क्यों सोच रहा है? अरे अरे सर आप, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सारे मेरे को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, वाओ मैं बन गया सेलिब्रिटी। क्या क्लैप मारा है मेरे एंट्री पे। ऐसा भी सोचता हूँ मैं क्रिएटिव फील्ड में इसलिए जाना चाहती थी बिकॉज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पीछे भी आई कैन क्रिएट अ स्टोरी कि वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त या वो क्या कर, लाइक एक पिक्चर बनाया अगर तो उसके पीछे तुरंत यूं एक स्टोरी कहानी बन गई कि मतलब कहानी और उसके पीछे क्या है। जैसे आपका माइक अभी हाथ में है, माइक क्या सोच रहा होगा? मेरे को आप जगह जगह क्यों नहीं बांट रहे, कितनी देर से एक इंसान ने पकड़ रखा है मेरे को। नहीं लेकिन इंसान अच्छा है तो माइक तो खुश हो रहा होगा, वैसे मेल है। क्या है ये? मेल है, माइक होता है, माइक होती थोड़ी है। नहीं माइक खुश हो गया, हटाना चाहती हूं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर, क्योंकि ये जो इन्होंने बोला है यहाँ पर, ये बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए। थोड़ा हंसी मजाक चलेगा ना, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, थोड़ा सा मैं यहाँ से कुछ छोड़ता जाओ, चलेगा? सही है।
और कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? आप बोलिए सर। अभी ये पिछले एक साल की बात है, मतलब मैं लखनऊ में रहता था स्टडी के लिए, रूम रेंट पर लिया था, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, तो 5,000 रुपीज़ उसका रेंट था, तो मतलब वो वहाँ से छोड़ के चला गया। अभी सर मतलब सिर्फ 2,000 रुपीज़ दिए थे, अभी मतलब 3,000 रुपीज़ बाकी थे। अब सर मैंने अपने उसमें सीलिंग फ़ैन लगा रखे थे दो, मतलब रूम के अंदर। उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने कहा कि आंटी मेरे को छोड़ना है, तो वो बोल रही बाकी 3,000 लाओ। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं क्यों दूँ, मैंने तो अपने 2,000 मतलब 500 और ले लो, 2,500 उसके 2,500 बचते, आपको उसको रोकना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी गलती है, जाके उसको पकड़ो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो सर वो मेरे सीलिंग फ़ैन उन्होंने रख लिए, नहीं दे रही। सर मतलब मेरे सीलिंग फैन रख लिए उन्होंने, और सर मेरे को बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा कि घर पे बताऊंगा, पापा लोग कहेंगे कि छोड़ दो यार क्या करना मतलब। तो आप क्या सोच रहे हो, अपना बदला कैसे लोगे आप, ये बदले की आग आपके अंदर? हाँ सर वही वही, मुझे आपकी आंखों में खून नजर आ रहा है। सर बदला मैंने ले लिया। ले लिया कैसे? वो बता रहा हूँ सर कैसे। उसी पंखे से लटका दिया उनको। सर फिर मैंने क्या किया कि अब घर पे तो बता नहीं सकता था कि मतलब वो बोलेंगे छोड़ दो। मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब बड़ी मेहनत से आते हैं, तो मैंने ऐसे छोड़ना नहीं है इसको। तो सर मैं गया पुलिस मतलब स्टेशन। पुलिस स्टेशन चले गए? अरे तेरी ये कहानी अब एक नया ट्विस्ट ले रही है। पहले मेरे को आपकी कहानी थोड़ी बोरिंग लग रही थी, अब तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है आगे आगे। सर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे एक अंकल टाइप के थे, तो उनको मैंने अपनी सारी मतलब स्टोरी बताई कि मतलब ऐसे सुन ली। उन्होंने इतना पेशेंस था उनके अंदर? हाँ सर। सर वो करते ही क्या है, खाली बैठे। कौन थे वो, मतलब वो सलाखों के पीछे थे या इधर थे, इस साइड थे? पुलिस वाले को ही सुनाई ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो सर मैंने उनको तो मैंने सर उनको अपनी सारी स्टोरी बताई, और वो मतलब चलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। यस सर। वो गए आपके साथ फिर? यस सर। फिर मैं उनके साथ बाइक पर बैठकर गया उनके घर पे, जो मतलब जहाँ पर मैं रहता था, जिन्होंने आपके पंखों पे कब्जा किया हुआ था। यस सर। आपके पंखों के साथ उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? सर वो टंगे हुए थे। सही सलामत वापस आए? सर वो टंगे हुए थे, उनकी इतनी हाइट नहीं थी कुछ। अच्छा, कर पाए। टंगे हुए थे। हाँ फिर? हाँ तो सर मैं वहाँ पर गया, उनके पूरे होश उड़ गए, ये कहाँ से ले आया। फिर वो अब मेरी बुराइयाँ बताने लगी उनको कि इसने ऐसा किया, ये देखो साफ सफाई नहीं करता है, ये वो करता है। तो सर ऐसे चलता रहा। फिर मैंने कहा मैं शांत बैठ रहा, मैंने कहा आंटी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आपने करना है इनसे करो, जो करना है इनसे करो, इनसे करो। आंटी मैं बीच में कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना है इनके साथ में करो, मैं बाहर रहूंगा। मैं एकदम साइड में खड़ा था, और वो अच्छा साइड में थे, और वो फिर उन्होंने क्या किया? एक मिनट यार, ठीक है चल रहा है ना, थोड़ा सी मजाक चल रहा है, हाँ मजा आ रहा है। हाँ ठीक है। फिर सर वो मतलब 10-15 मिनट उनको लगे वो आपस में समझाया। आप बाहर थे या वहीं बैठे थे? सर मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10-15 उसके बाद फिर सर अब उन्होंने मतलब जैसे बात बूत करी होगी, तो वो मतलब पंखे वापस करने के लिए रेडी हो गई, मतलब खुश हो गई। कि आपने क्या काम किया, पहले नाराज हो गई। हाँ। बाद में 15 मिनट बाद खुश हो गई। फिर खुशी खुशी उन्होंने आपको आपके पंखे लौटाए। लेकिन सर अब वो टंगे हुए थे, अब मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाने में टाइम लगता, तब तक फिर वो कहीं उनका फिर से मूड ना बदल जाए वापस करने वाला। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ करो। अभी मूड में आंटी। वैसे मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाई आप लोगों का दिमाग गंदा है। तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सर उसके बाद फिर मतलब पड़ोस में एक मतलब वर्कशॉप टाइप का था, तो मैं वहाँ से अपने टूल्स लेकर आ गया। तब तक वो कहाँ थे? वो सर घर पे। वो दोनों अकेले थे? यस सर। आंटी का मूड कैसा था जब आप वापस आए? यार तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? फैक्ट्स की बेस पर बात हो रही है। हाँ। फिर आप वापस आए टूल्स लेकर के? यस सर। फिर सर मैंने अपने आप जल्दी जल्दी पंखे निकाले, और मतलब अपने जल्दी से पैक करा। उन दोनों ने आपकी हेल्प नहीं करी? नहीं सर, वो बात कर रहे थे ना। वो बात कर रहे थे। कितनी देर लगी होगी बात खत्म होने में? 30 मिनट्स। तब तक आप क्या कर रहे थे? उतार रहा था। पंखों में लगे हुए थे। उसके बाद फिर सर मैं जब मतलब वो बाइक पे थे, मैं अपनी साइकिल पे था, तो वो आगे निकले। कौन, वो दोनों? नहीं सर, मतलब वो पुलिस वाले जो अंकल थे वो आगे चले गए। आंटी कहाँ थी?
आंटी तो अपने घर में थी। अच्छा, घर में थी। वो दोनों बाइक पे निकल गए, आप साइकिल पे। वो सर मतलब गेट पर थी, तो सर मैं अपनी साइकिल पे वो बैग लगा रहा था जिसमें वो फैन थे, तो वो कह रही काट दूंगी तुमको मैं। काट दूंगी तुमको मैं सर, मतलब जब तक वो थे तब तक तो कुछ नहीं। यस सर। तो सर फिर वो मतलब मैं निकलने लगा, काट दूंगी, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा अब यहाँ पे आ रहा हूँ दोबारा वापस। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर इट। मुझे बाहर आ जाने दो इस कहानी से, मतलब इसके वो मूवी बन सकती है सर। पंखे वाला ला, पंखे वाला ला, पंखे वाला ला। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। प्लीज हैव अ सीट। अब कौन बोलना चाहता है या चाहती है, आप बोलो। सर मेरे घर के पास इंद्रप्रस्थ पार्क है, और उधर मैंने देखा कि क्या है आपके घर के पास, इंद्रप्रस्थ पार्क है, तो सर उधर बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स आते हैं, और छोटी छोटी बात पे। आपकी है या नहीं है? नहीं मेरी नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ। तो वहाँ पे क्या करने जाते हो आप, छेड़ने जाते हैं? सर मेरे घर के पास है, तो मैं संडे संडे टहलने के लिए चला जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, लड़के के साथ। हाँ, तो उधर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं छोटी छोटी बात पे फोन फेंक देते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार का फोन होता है, और वो फेंक के तोड़ देते हैं। मैं हम तो आप उठा लेते हो? नहीं नहीं। फिर हम फ्रेंड्स ये सोचते हैं बताओ ऐसी ऐसी लाइफ का भी क्या फायदा जहाँ पे खुशी ना मिले। वो आपने कहानी सुनी है ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है जब अकेले होते हैं। इसीलिए मैं भी सोचता हूँ सिंगल रहने में ज्यादा फायदा है। यहाँ पे इमेजिन करो अगर कोई लड़की आकर के आपको प्रपोज करते, हाँ करोगे ना करोगे? उसी पार्क में डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अभी कह रहे थे क्या पड़ा है, अब पड़ा है, डिपेंड करता है। आई नो जी, ऐसा ही होता है। और कोई बोलना चाहते हैं? मेरी मदर, उनको पता है क्या रहता है कि जैसे सुबह ये होता है उनको 7 बजे उठो, जल्दी जल्दी घर का काम करो, उसके बाद चाहे सोते रहो। तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती, मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। मेरी मम्मी देख ले अभी तक सो रही है, अभी तक सो रही है, कौन देख, पड़ोसियों ने कर दिया बेटा, हम रह गए हैं। तो वो मतलब ये वैसे नया डायलॉग है, मैंने ऐसा अपने घर में नहीं सुना, पड़ोसियों ने काम कर लिया है इसलिए तू जल्दी उठ। बट दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब वी आर सो क्लोज विद आवर नेबर्स, तो ऐसा रहता है। उसकी लड़की देखते रहिए, एज की है ना, वो उठती है सुबह, तू नहीं उठती है, देख ले। एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट करी कि हमारे पेरेंट्स तो हमारा कंपैरिजन करते हैं पड़ोसियों से, आप अपने पेरेंट्स का नहीं करते। कभी करो ना, थोड़ा मजा आएगा। नहीं, आंटी का ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। मम्मी आपको सीखते क्यों नहीं उनसे? मैं देखा है पापा आपको तो कभी देखते नहीं है, उनको देखते हैं, उनसे नजरें हटती नहीं है आपके ऊपर। उनके हाथ का खाना पापा को क्यों इतना अच्छा लगता है? मजा आ जाएगा वहां पे। हाँ, बीपी हाई हो जाएगा क्योंकि ये एक बड़ी तगड़ी जेलसी होती है वहां पर, राइट? यस सर। प्लीज हैव अ सीट। अब बताइए जी, और कौन है? आपने प्लीज प्लीज बोला, आप साइड में जो हो आप बोलो। सर बात तो बहुत छोटी सी है, मतलब ये सबके पेरेंट्स बोलते, वैसे मेरे पापा भी बोल रहे थे। तो हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, मतलब पढ़ते लिखते नहीं है, हम पढ़ते हैं बट जैसे पापा चाहते वैसे हमारे मार्क्स नहीं आते। तो हम लोग अपना आराम से सोते हैं, उठते जब मन करता है। पापा डांटने टाइम एक डायलॉग, छोटे छोटे डायलॉग यूज़ करते हैं, किस्मत सो जाएगा, पढ़ो वरना। तो मैं और मेरी बहन आपस से बोलते हैं, हम लोग किस्मत के पास जाएंगे, टक टक, किस्मत उठ, हम आ गए। अब उठ जा, उठा देंगे किस्मत को, अब किस्मत, अब उठ जा, अब हम आ गए, अब किस्मत जाग जा, अब किस्मत जाग जा। एक्सेलेंट जी, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। ऐसे कोई डायलॉग्स जो आपके भी घर में बोले जाते हो, थोड़े से डिफरेंट से ऐसे कोई डायलॉग? सबको मोटे पतले का बहुत होता है, मुझे भी है। तो एक बार मैं खड़ी थी, तो वहाँ पे दो लड़कियाँ जा रही थी, तो मेरे से कह रही ए देख देख स्केलेटन दिखाऊं तुझे मैं, देख रही। कौन था वो बदतमीज इंसान? सर दो लड़कियाँ थी, दो लड़कियाँ थी, फिर आपने कुछ कहा नहीं उनको? नहीं सर, बजा दी तो क्या, तुम्हारे स्केलेटन पे इतना गोश्त कहाँ से आया? मोटी थी तो बोल सकते थे। और सर जैसे स्कूटी चलाते, तो पता एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो कह रहे कि ये बताओ स्कूटी किसकी है। मैं सर मेरी, झूठ मत बोलो, स्कूटी किसकी है ये? मैं सर मेरी स्कूटी है, ये देखो बच्चे, देखो कैसे झूठ बोलते हैं, देखो देखो कैसे झूठ बोलते हैं। फिर ऐसे में जा रही, तो एक अंकल बोले कि मेरी मतलब खोपड़ी घुमाई, कह रहे रोटी क्यों नहीं खाती। एक मिनट, ये ज्यादा हो गया, मतलब आप वहां पे थे और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया और खोपड़ी भी घूम गई पूरी।
मैंने घर आके बताया मम्मी, मम्मी कह रही ऐसा थोड़े ना होता है ऐसे। मैं कहा मम्मी सच में ऐसे करी तू, मुझे ऐसे करा। और मैं वो कौन थे अंकल, जान पहचान के थे वैसे ही कोई? पता ही नहीं, वो ऐसे ही छूके चले गए अंकल। अजीब जी मतलब किस्सा होता रहता है। क्लास में एक बार मैं छोटी थी तो पनिशमेंट में खड़ा कर दिया, मैं बहुत रोई इस बार। लेकिन अब ऐसा होता है मैम कहती है जिसको बात करें क्लास से बाहर जाओ। मैं सच में चली गई तो कह रही कितनी बेशर्म लड़की है। और मैंने बोला मैम आपने तो कहा था। Let's give a big hand for her. बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ मजेदार बातें बताओ जिससे कि या तो हम सब रिलेट कर सकें या फिर हम सबके लिए कुछ नया हो, मतलब जो सुनने में मजा आए। आप तो बोल चुके हो ना पहले, इसी से रिलेटेड कुछ है। इंसिडेंट है जो उसने बोला ना, उससे रिलेटेड हो जाओ, शुरू हो जाओ। सबके घर में ये चीज होता है कि आलू को हर सब्जी के साथ ये कर देते हैं। आलू इज सो कैरेक्टरलेस फिर मैंने बहुत सारी स्टोरी बनाई हुई कि आलू और भिंडी का अफेयर हुआ होगा, आलू ने भिंडी को प्रपोज किया होगा, भिंडी सेक्सी है तो भिंडी ने मना कर दिया होगा, तो आलू एकदम एग्रेशन में आ गया, मुझे कैसे मना कर दिया, आप देखना मैं सबके साथ अफेयर चला। भिंडी हमेशा अकेली होती है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्याज के साथ बनती है, वो भी बदबू होती है प्याज, मतलब डीओ वीओ नहीं लगाता है। भिंडी बिल्कुल सबके साथ है, आलू इज वेरी फ्रेंडली, आलू सक्सेसफुल हो गया। आलू सक्सेसफुल हो गया तो बनना है तो आलू की तरह बनो।